और सबसे पहले ऑपरेशन मेरा सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, जिसका अमाउंट 8 लाख हुआ था, जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो वो भी मेरे पापा ने दिया था। दूसरा ऑपरेशन मेरा नोएडा में हुआ था, बच्चा हॉस्पिटल में। लगभग मैं थोड़ा कम समय में शॉर्टकट में बताना चाहूंगी कि मेरे ऑपरेशन 12 हो चुके हैं और 12 ऑपरेशन सिर्फ पथ ही हैं। हर 6 महीने में मेरे स्टोन बनता था किडनी में, दोनों ही किडनियां मेरी बेकार हैं। एक में कई बार ऑपरेशन होते होते जो है काम करना बंद भी हो गया। जब काम करना बंद हो गया तो मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता कि मर मर के मैं कैसे जीता हूँ वो मेरे खुद समझ नहीं आता। आज चला नहीं जाता, स्वास्थ्य विभाग में एनएम के पद पर मैं कार्यरत हूँ और सरकारी जॉब करती हूँ, मैं कैसे कर पा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं 4 बजे उठकर खेती का काम भी करती हूँ, आज सर्विस भी करती हूँ और एक एमडीएनएल काम भी करती हूँ। मैं गरीबों को दान ज्यादा करती हूँ, अपनी औलाद को नहीं देखती। मेरी औलाद क्या करेगी, जो जिएगा वो कमा के खाएगा। तो मैडम ने बताया और प्रोडक्ट के बारे में बताया, जब मेडिसिन के बारे में बताया तो मेरे को समझ में आया कि 12 ऑपरेशन मेरे हो गए हैं। इनसे ही पूछ लिया जाए कि पथ की दवा एकदम क्लियर में है या नहीं। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम सारी बातें छोड़िए क्योंकि मुझे नेटवर्किंग नहीं आती और मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे सिर्फ एक दवा बता दीजिए कि मेरे पति हर 6 महीने में जो बनती है वो खत्म होगी या नहीं। तब मैडम ने कहा कि यस, यहाँ दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि आप बिल्कुल ठीक होगी और यहाँ इतना पैसा भी आप कमाएंगी कि एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी नाम करेंगी अपना, आने वाली हर पीढ़ी आपको याद करेगी कि ये पैसा, ये जज्बा, ये जो भी है वो सुनीता यादव का। Thank you.